कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण भारत सरकार ने पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन के निर्देश दिए हैं। ऐसे में सड़कों पर जीवन बिताने वाले बेसहारा लोगों के लिए जीवन दूभर ही हो गया है। दूसरों के आश्रय पर जीवन बिताने को मजबूर लोगों को खाने पीने जैसी सुविधाओं और रहने के लिए वाराणसी के डीएम, एसएसपी, एडीएम सिटी और एसपी सिटी की मौजूदगी में दशाश्वमेध घाट और आसपास के इलाकों में बेसहारा भूखे प्यासे रह रहे लोगों को रैन बसेरों में रहने के लिए ले जाया गया। इस संदर्भ में वाराणसी जिला अधिकारी ने बताया कि घाटों पर खुले आसमान के नीचे जीवन बिताने वाले लोगों को रैन बसेरों में पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ताकि इनका कोरोना के संक्रमण से बचाव किया जा सके। इन लोगों को रैन बसेरों में पर्याप्त मात्रा में भोजन की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही संक्रमण के खतरे से भी बचाया जा सकता है। ये आज यहाँ वाराणसी में ऑपरेशन शेल्टर चलाया जा रहा है। जो भी निराश्रित लोग हैं, जो सड़कों पर रहते हैं, अधिकतर भिक्षावृत्ति करते हैं या बेसहारा हैं या किसी वजह से यहाँ पे अटक गए हैं और अपने होम टाउन नहीं जा पा रहे हैं और इस लॉकडाउन की वजह से, उन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको रैन बसेरों में शिफ्ट करवाया जा रहा है। रैन बसेरे अगर फिल हो जाते हैं तो बाकी कोई सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनमें इनकी शिफ्टिंग कराई जाएगी। अब तक लगभग 150 लोगों को पूरे शहर में ढूंढा जा चुका है। यहाँ करीब 40-50 लोग दशाश्वमेध घाट के आसपास भी हैं, इनकी भी वहाँ पे शिफ्टिंग कराई जा रही है। अब इनको प्रतिदिन 2-3 समय का भोजन दिया जाएगा और वहीं पे रोज़मर्रा की जो बेसिक आवश्यकताओं की चीज़ें हैं वो इनको 20 दिन के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि लॉकडाउन के समय इन पे किसी भी तरह भोजन का संकट ना हो और कोई शेल्टर इनके दिक्कत ना आए जहाँ ये निवास ना कर सकें, खुली छत के नीचे इनको ना सोना पड़े। ये पूरा अभियान आज यहाँ वाराणसी में चलाया जा रहा है और इसका काफ़ी अच्छा परिणाम भी आया है। इसी तरह देहात क्षेत्र में भी करीब 200 के आसपास लोग आइडेंटिफाई हुए हैं अलग अलग थाना क्षेत्र में, और उनको भी इसी तरह वहाँ पे स्कूल आदि की बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। इनके भोजन की व्यवस्था आज ही रात से चालू की जाएगी। अब तक काफ़ी समाज सेवी इनकी मदद कर रहे थे, लेकिन अब इनकी इंस्टीट्यूशनलाइज मदद की संभव हो पाएगी और इसके माध्यम से सुनिश्चित हो सकेगा कि इन्हें कोई भी संकट आने वाले 20 दिन तक ना झेलना पड़े। जिनके पास शेल्टर है और जिनके पास कच्चा मकान, झोंपड़ी आदि है, जो अपने मकान में रह सकते हैं, वे लोग तो ऑलरेडी वहाँ शिफ्ट करवा दिए गए हैं और उनके भोजन की पैकेटिंग लगभग 2000, आज जैसे लंच बटा था तो 2000 लंच पैकेट विभिन्न समाज सेवियों के माध्यम से उनको दिलवाया जा रहा है। ये जो लोग हैं 400-500 आइडेंटिफाई हुए हैं, ये वो हैं जो भिक्षावृत्ति वाले हैं या बिल्कुल बेसहारा हैं, जिनकी झोंपड़ी तक भी नहीं है। तो सामान्यतः ये भीख मांग के अपना गुजारा करते थे जब यहाँ पे पर्यटक या श्रद्धालु आते थे। अब वो क्योंकि बंद हो गया है कार्य और पूरा लॉकडाउन है, इसलिए इनकी आजीविका कोई साधन नहीं बचा है, इसलिए इनकी भोजन की और आजीविका की चिंता करते हुए इन सब लोगों को शिफ्ट करवाए जा रहे हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।